श्रीलंका के खिलाफ भारत में लौटा दुनिया का सबसे खतरनाक उपकप्तान, जो बल्ले से मचाता है ऐसी तबाही और एक पल में कर देता है बॉलर का काम तमाम। बताएंगे कि वह कौन सा खिलाड़ी है। इससे पहले आप अगर चाहते हैं कि टीम इंडिया श्रीलंका से T20 सीरीज जीते, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच 3-3 मैचों की वनडे सीरीज और T20 सीरीज खेली जानी है। इससे पहले टीम इंडिया के कप्तान और उपकप्तान घोषित कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि रोहित शर्मा के चोटिल होने के बाद कप्तानी का जिम्मा KL राहुल को सौंपा गया था, मगर आपको बता दें कि KL राहुल भी अपनी कप्तानी में कुछ खास नहीं कर पाए, जिससे क्रिकेट फैंस के टोल के शिकार हो गए और मजबूरन BCCI को कप्तान बदलना पड़ा। और आपको बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए BCCI ने खतरनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान बनाया गया है। वही बात करें उपकप्तान की, तो भारतीय टीम के चमकते हुए सितारे या यूं कहें सूर्य कुमार यादव को उपकप्तानी का जिम्मा सौंपा गया है। सूर्य कुमार यादव इस समय खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। वह किसी भी मैच में अकेले मैच पलटने का दमखम रखते हैं। और आपको बता दें कि इस साल T20 करियर में नंबर 1 की रैंकिंग प्राप्त कर चुके हैं सूर्य कुमार यादव। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या खतरनाक ऑलराउंडर के बीच में श्रीलंका का क्या हाल होगा। अगर यह वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है और आप अगर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को कप्तान और उपकप्तान बनाए जाने पर खुश हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।